मुकद्दर है फ़ज़ाए आलम इमका सियासत से, मुकद्दर है फ़ज़ाए आलम इमका सियासत से, बहुत बेआबरू है आजकल इंसान सियासत से। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ अर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जैसे नारू की अपार सफलता के बाद पेश है मोदी सरकार में घोटाले का काला चिट्ठा। क्या मोदी सरकार ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर पूरे देश को मूर्ख बना रही है? क्या बीजेपी की सरकार सिर से लेकर पाँव तक करप्शन में डूब चुकी है? क्या बीजेपी के लिए ईमानदारी और शिष्टाचार महज एक चुनावी जुमला है? क्या सीएजी ने सरकार की ईमानदारी का पोस्टमार्टम कर दिया है? न खाता न बही, जो मोदी जी कहे वही सही। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट ने सबके मुंह को बंद कर दिया है, मतलब जो खुद को सबसे ईमानदार कहते थे अब सीएजी ही उनकी ईमानदारी की परतें उखाड़ रहा है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। वही बात सपा नेता आजम खान पर होगी, जिन्होंने बताया है कि वो मुर्गी चोर है, लेकिन उन पर धाराएं डकैती की लगी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर एक शराब की दुकान को लूट लिया। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे एक बीजेपी नेता की, जो दारू के नशे में टल्ली होकर रागिरों से भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी नेता को एक महिला ने कायदे से पीट दिया है। महिला के झापड़ से बीजेपी नेता के सिर से सत्ता और दारू का नशा उतर जाता है। वही खबर बिहार से, जहां पुलिस वाले ही शराब का धंधा चला रहे थे, रोकड़ा कमाने की हवस ने वर्दी वालों को शराब का तस्कर बना दिया। बकायदा थाने की आड़ में दारू का ठेका चल रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यूपी से सुनने में आ रही है, जहां शराब की तस्करी में बीजेपी के नेता जी बिहार में हवालात की हवा खा रहे हैं। इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, पर उस खबर का जिक्र करना भी ज़रूरी है। जब देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे लड़की अकेले सड़क पर निकल जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, मतलब यूपी में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन रात के 12 बजे लड़कियों का घर से निकलना तो दूर की बात है, महिला पुलिसकर्मी को थाने से घर जाना मुश्किल हो गया है। मतलब दिन दहाड़े महिला पुलिस कांस्टेबल को मनचलों ने छेड़ दिया। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ एक दलित बुजुर्ग के सिर पर जूते रखकर घुमाया गया। इससे एक हफ्ते पहले दलित के सिर पर पेशाब करने का मामला भी राजस्थान से सामने आ चुका है। इन तमाम मुद्दों का जिक्र हम अपने इस एपिसोड में करेंगे, पर वीडियो को बीच में छोड़ना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आधा अधूरा काम बिल्कुल ना करें और घंटी वाला बटन भी ज़रूर से दबा दें। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। लौटते हैं अब खबर की तरफ। खबरों की शुरुआत बिहार के एक घटना से करते हैं, जिसने वर्दी वालों को दारू का दलाल बना दिया। कहने का मतलब कि जब वर्दी वाले शराब के तस्कर बन जाए तो कानून गया तेल लेने। दरअसल बिहार में पुलिस वाले ही शराब की तस्करी करते पकड़े गए हैं। बिहार के बक्सर के ब्रह्मापुर थाना ही पियकड़ों के लिए दारू का ठेका बन चुका था, लेकिन पुलिस ने अब अपने ही थाने पर रेड किया। तब पता चला कि थाना अध्यक्ष समेत कई स्टाफ थाने से ही शराब बेच रहे थे। पुलिस थाने पर पुलिस की छापेमारी से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। इस घटना में शामिल 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कंटेनर में शराब जब्त होने के बाद कुछ शराब की पेटी को माल खाने से बाहर रख दिया गया और सारा खेल यहीं से हो रहा था। जब शराब के स्टॉक का मिलान कराया तब सारी पोल पट्टी खुल गई। SP मनीष कुमार के आदेश पर थाना अध्यक्ष और मुंशी समेत थाने के कई स्टाफ पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बीजेपी के नेताजी शराब की तस्करी में पकड़े गए। इस मामले में बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा नेता प्रमोद सिंह स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बनकटा थाने में FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कर रहे थे। इसी दौरान बिहार के गोपालगंज जिले की फुलवरिया थाने की पुलिस पहुंची और प्रमोद सिंह को गिरफ्तार करके ले गई। खैर, इस गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता प्रमोद सिंह बघेल का कहना है कि बिहार में शराब तस्करी करने वाले रैकेट ने उन्हें साजिश के तहत फंसाया है। वहीं गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने बताया कि थाना
क्षेत्र के मजीरवा में 22 जून को बलेरो में बड़ी मात्रा में शराब के बरामद हुई थी। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया था कि प्रमोद सिंह बघेल बॉर्डर इलाके में शराब स्टोर करता है और वहीं से बिहार बेचता है। वहीं अगली खबर भी यूपी से ही है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेता अतुल दक्षित गाड़ी पार्क करने के चक्कर में राहगीरों से भिड़ गए। वैसे भी जब सत्ता का नशा सिर पर चढ़कर तांडव कर रहा हो तब शराब का नशा भी फीका पड़ जाता है, पर अतुल दीक्षित सत्ता और दारू के नशे में चूर हो चुके थे, राहगीरों से गाली गलौज करने लगे। इसी बीच एक मियां बीवी से अतुल दीक्षित भिड़ गए और गालियां देने लगे। लेकिन बीजेपी नेता ने जैसे महिला के पति से बदतमीजी शुरू करते हैं वैसे ही महिला नेता जी पर टूट पड़ी। बीजेपी नेता को योगी के साथ फोटो खिंचाना भी काम न आया। महिला के तमाचे यूपी से लेकर दिल्ली तक गूंज रहे हैं। महिला ने नेताजी को दे दनादन झापड़ मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी के हापुड़ से एक मामला सामने आया जिसने यूपी में महिला सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। मन चलों ने महिला कांस्टेबल को छेड़ दिया, उसे देखकर अश्लील इशारे करने लगे, जिसके बाद महिला कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर मन चलों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जब महिला कांस्टेबल ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर की ओर जा रही थी तभी बाइक से आए दो मनचलों ने उससे छेड़खानी की और अश्लील इशारे किए। जब कांस्टेबल ने अपनी स्कूटी रोकी तो मनचले बाइक भगाकर मौके से भाग गए, लेकिन महिला कांस्टेबल ने फौरन इसकी सूचना कोतवाली में दी तो पुलिस हरकत में आ गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों अखिल और प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। खैर, बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तब से आजम खान और उनके परिवार पर मुकदमों का पहाड़ टूट पड़ा है। तमाम जांच एजेंसियों ने आजम खान के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी, जिस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। बाद में वही मामला गलत पाया गया, लेकिन तब तक उनकी विधायकी चली गई। इंडिया और भारत के अंतर के सवाल पर आजम खान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि मेरा स्तर बहुत छोटा है, मैं मुर्गी चोर हूँ, बकरी और भैंस चोर हूँ, लेकिन धाराएँ डकैती की लगी हैं। इसके आगे आजम खान कहते हैं कि आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा भी जब मैं चौथी बार मंत्री था, बकायदा सिक्योरिटी में था, तब मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थी, उस वक्त हम दोनों ने मिलकर शराब की एक दुकान लूट ली और 16,900 रुपया उनके गले से लूटा था। वो कहते हैं कि एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ मेरे यहाँ आईटी का रेड होता, एक बकरी चोर के यहाँ, एक किताब चोर के यहाँ। इस बयान में आजम खान के दर्द को महसूस किया जा सकता है। पर अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के उतने रिकॉर्ड नहीं टूटे जितना मोदी सरकार के दौर में टूट रहे हैं। कांग्रेस के दौर में सीएजी की रिपोर्ट उतनी हाहाकारी नहीं थी जितना मोदी जी के राज में सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। अभी हाल ही सीएजी ने आयुष्मान योजना से लेकर मोदी जी के एक्सप्रेस वे बनाए जाने तक के मामलों में धांधली और धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, लेकिन अब सीएजी ने केंद्र सरकार के बही खाते को खंगालना शुरू कर दिया है। कितना पैसा आया और कहाँ गया, कितना खर्च हुआ वगैरह वगैरह सवालों के जवाब कहीं नजर नहीं आ रहे। दरअसल कोलकाता से छपने वाले अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक सरकार के बही खाते में हेराफेरी की शुरुआत विदेशी कर्ज से होती है, जिसमें विदेशी कर्ज 4.39 लाख करोड़ बताया जा रहा है, पर विनिमय दर पुराना दिखाया गया, यानी जो कर्ज 6.58 लाख करोड़ होना चाहिए था उसे 4.39 लाख करोड़ ही बताया गया, मतलब विदेश के लिए कर्ज में 2.19 लाख करोड़ कम दिखाया। अब ये पैसा कहाँ गया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार अक्सर उपकर यानी सेस लगा देती है, पर सेस लगाने के मामले में भी कपलेबाजी कर दिया गया, नियमों को ताक पर रख दिया गया। सेस से जुटाए गए पैसे या तो बेकार पड़े हुए हैं या फिर उसका इस्तेमाल किसी दूसरे मकसद में किया जा रहा है, यानी पैसा जिस मकसद से जुटाया गया उसका इस्तेमाल किसी दूसरे मकसद को पूरा करने के लिए किया गया। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पैसा सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया, बल्कि सरकारी खाते से बाहर पैसा जमा किया गया है। यहाँ तक कि प्रोविडेंट फंड का 21,560 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया। पैसा कहाँ गया इसका कोई पता नहीं, मतलब सरकार को ही नहीं पता कि सरकारी पैसा कहाँ गया। लेवी और सेस के पैसे का बड़ा डायवर्जन हुआ लेकिन पता नहीं कहाँ गया। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई इस बारे में कुछ पता नहीं। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया जिससे ब्याज का नुकसान किया,
और भी कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं, पर न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे नारे भी जुमला साबित हो गए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में दलितों पर जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। चित्तौड़गढ़ में गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने 70 साल के दलित बुजुर्ग के सिर पर पगड़ी में जूते रखवाए और उस पर 1,100 रुपए का जुर्माना भी लगाया और तो और सबके सामने माफी मंगवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित बुजुर्ग एक स्थानीय समुदाय के देवता की कहानियों का पाठ करके अपना जीवन यापन करता है, लेकिन अपने एक पाठ के दौरान सालवी ने कथित तौर पर एक देवी के बारे में कुछ गलत बयानी कर दी। इससे नाराज गुर्जर समुदाय के कुछ लोगों ने 16 सितंबर को गांव में बैठक बुलाई, जूते सिर पर रखवाकर माफी मंगवाई, इस घटना का वीडियो भी बनवाया। बाद में बुजुर्ग और उसके परिवारजनों ने परसौली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परसौली थाना पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खैर, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पर चुनावी साल है, हो सकता है कुछ दिन तक इस तरह के मामलों पर रोक लग जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन भी दबा दें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो कर लें, और अगर आप हमें Instagram पर देख रहे हैं तो Instagram को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।